नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा इंद्रपुरी मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिलीप अरोड़ा जी हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं इंद्रपुरी मंडल से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, नई दिल्ली लोकसभा से हमारी सुश्री बांसुरी जी सांसद बन के आई हैं, तो सबसे पहले उनके सांसद बनने पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, बेटी अपनी हमारी बेटी बराबर बांसुरी स्वराज, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अपने सभी अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने लगन से मेहनत से उनके साथ लग के पूरे जोश से पूरे अच्छे अंतर से उनको जिताया जी। तो दिलीप जी, अब जीतने के बाद जैसे इंद्रपुरी के जो हालातों को लेकर बात करेंगे सर, क्या क्या समस्याएं हैं और आगे किस तरह से काम करेंगी अपनी बांसुरी जी? यहाँ पर समस्याओं का तो पूरा अंबार लगा हुआ जी, कोई एक समस्या है नहीं, प्रॉब्लम है इसे इंद्रपुरी क्षेत्र में जी। इसमें पहली बात तो यहाँ कभी नालों की सफाइयाँ नहीं होती, जब भी बारिश है, पहले अभी प्री मानसून वर्षा हुई है तो भी इसमें जल भराव हो गया सब जगह, लोगों को घर से निकलना मुश्किल है, लोगों के कपड़े बर्तन सब खराब हो गए हैं, पानी नहीं मिलता उनको पीने के लिए, कभी आता कभी नहीं आता, आता तो गंदा और बदबूदार आता है, और पार्क भी सब ऐसे हैं। दूसरी यहाँ पर जानवरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसमें आवारा जानवरों की जैसे वो जो किसी को भी मार देते हैं, किसी को करते हैं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है बच्चों को भी। हाँ, बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है जी। और यहाँ पर कूड़ेदान बिल्कुल एंट्री करते कूड़ेदान है और वहीं पे नाला हमेशा भरा रहता है, नाले से हमेशा पानी निकलता रहता है और कूड़ेदान में हम किसी को यहाँ बुलाते हुए भी शर्म आती है, कोई रिश्तेदार भी आता है तो हमें बड़ा शर्म महसूस होता है कि हाँ, हमें उसको बुलाना मुश्किल लगता है। हमें तो सुरेश पाठक जी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, दो टर्म से यहाँ से जीतते आ रहे लगातार। नहीं, दुर्गेश पाठक भी नहीं, उससे पहले चड्ढा साहब थे बिना कुछ के। हाँ, तो अभी तक कोई काम ऐसा होता दिख नहीं रहा, और ये फ्री दिखाने वाली बातें हैं। फ्री क्या, ये तो इसने तो फ्री के साथ में इतना फ्री में हो कि इन्होंने एक पव के साथ पव फ्री, आधा फ्री, बोतल बोतल फ्री, ये तो भला हो बीजेपी गवर्नमेंट का जिन्होंने इंटरफेयर करके उसको स्कीम को रुकवाया। आज नहीं तो दिल्ली पी के आधी दिल्ली नशे मुक्त हो जाती है, नशे से सरोबार होती है और आधी दिल्ली पी के मर चुकी होती, कई बच्चे अनाथ हो गए होते, कई बच्चे मतलब सड़क पर आ गए होते। अब ये जानना चाहेंगे, अब सरकार नई तरीके से बनी है तीसरी बार मोदी जी की, अब आने वाली क्या क्या नीतियाँ रहेंगी, किस तरह काम होंगे? देखो, मोदी जी को देख के ही मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, मेरा कोई आने नहीं जाओ, उन्हीं को देख के मुझे मतलब प्रेरणा मिली कि वो इस उम्र के अंदर भी 25 साल से बिना कोई छुट्टी किए लगे हुए लगातार, तो उन्हीं को देख के मैं भी 63 प्लस हूँ, लेकिन फिर भी उनको देख के मुझे प्रेरणा आई कि मैं भी कुछ अभी कर सकता हूँ देश के लिए, तो इसी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, ताकि ये जो जो विपक्षी पार्टियाँ सारे नेगेटिव उल्टे सब कांग्रेस के राज में, इसमें राज में जो भी गवर्नमेंट आई है, वाजपेयी जी की सरकार 5 साल रही है, कोई आज तक घोटाला नहीं हुआ, मोरारजी देसाई जी की 2.5 साल रही थी, कोई घोटाला नहीं हुआ, जब भी मतलब गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट है कभी घोटाले नहीं हुए, लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार रही है या आम आदमी पार्टी के घोटाले पे घोटाले, इतने घोटाले गिन नहीं पाएंगे हम लोग। तो सर, इस बार क्या लगता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव है 2025 के, इस बार लगता है सरकार दिल्ली में बनेगी बीजेपी? जैसे हम लोगों ने कोशिश की है, दिल्ली की सारी संसद की 7 सीटें जीती हैं, हम सारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, पब्लिक को समझाएंगे, पब्लिक समझ भी चुकी है कि मतलब केजरीवाल ने क्या किया है और क्या कर सकता है ये। सर, विपक्ष भी अब मजबूत हो चुका है सर, अभी राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता बना दे सर, संसद में भी मतलब उनकी काबिल जो उनकी आवाज़ है वो आगे उठा सकते हैं, मतलब संसद में। ये लोग संसद में कभी बहस तो करते नहीं है सर, हल्ला गुल्ले का मचा आज तक कभी कुछ किया नहीं संसद में, गवर्नमेंट हमेशा जवाब देना चाहती है, सरकार हमारी बीजेपी जवाब देना चाहती है, लेकिन लोग लेना ही चाहते, सिर्फ पब्लिक के दिमाग में भरना चाहते हैं कि हम पब्लिक के लिए काम करें, जबकि इन्होंने सोनिया गांधी जी खुद बेल पे छुट्टी हुई हैं, ये खुद बेल पे चढ़ रहे हैं, विपक्षी आधी से ज़्यादा नेता भी बेल पे चढ़ रहे हैं, और भाई ये दुरुपयोग करने आ रहा है, भाई अगर ये भ्रष्टाचार करते रहे और इनको मतलब कोई कोर्ट पकड़े ना, कोई पुलिस पकड़े, CBI पकड़े ना, और मोदी जी भी आरोप लगा रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब तुम लोग जो भी करते रहो, तुमको रोकने वाला ना हो, मतलब यहाँ की सब कानून खत्म हो चुकी है, क्या ये सोच में थे क्या? अच्छा दिलीप जी, आप भारतीय जनता पार्टी में, और आपकी मतलब अपनी क्या उपस्थिति है जनता के बीच में, क्या क्या समाज सेवा कर रहे हैं? सर, पहली बात तो यह है कि मेरी मतलब केमिस्ट दुकान है, हमारा जो एरिया है गरीब आता है, हमारे पास को आता है बाई चांस किसी का पैसे कम है या नहीं है तो हम देते हैं, चलो बाद में दे देना, या और स्पेशली जो छोटे बच्चे के लिए है तो मैंने दुकान में कह रखा है कि जो भी आता है छोटे बच्चे के लिए बाई चांस पैसे नहीं है तो आप दे दो उनको, तो यह अभी हम पब्लिक को समझाते भी हैं, किसी बीमारी मिसगाइड नहीं करते, डॉक्टर के बारे में भी मतलब बताते हैं कि हाँ चले आओ, जैसे कह रहा हूँ, और मतलब क्षेत्र की जो समस्या होती है उनके लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं? खड़े कोशिश रहते हैं, पूरी मेरे खड़े हैं।
और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे बस जी, धन्यवाद आपका। तो यह हमारी सीधी बात दलीप अरोड़ा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।